लोकल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अनुमंडलीय अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीन को लेकर पुरुषों एवं महिलाओं को देखा गया भारी उत्साह। विक्रमगंज शहर के अनुमंडलीय अस्पताल के परिसर में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कोविड-19 वैक्सीन को लेकर पुरुष एवं महिलाओं में भारी उत्साह देखा गया, जिसमें पंजीकरण को लेकर अस्पताल परिसर में पहुंचे पुरुष एवं महिला अपने अपने हाथों में आधार कार्ड को लेकर कतारबद्ध खड़ी होकर अपनी अपनी बारी का प्रतीक्षा करते हुए नजर आए। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपाध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि पंजीकरण टेबल पर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा सरकार के दिए गए गाइडलाइंस के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से बारी बारी से कर्मियों द्वारा सभी पुरुषों एवं महिलाओं का पंजीकरण किया गया। उपाध्यक्ष ने बताया कि कोविड-19 का वैक्सीन आम पब्लिक को 60 वर्ष से ऊपर पुरुषों एवं महिलाओं को वैक्सीन निःशुल्क दिया गया। उपाध्यक्ष ने बताया कि 45 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक के लोगों को जो बीमारी से ग्रसित हैं, वैसे लोगों को भी निःशुल्क कोविड-19 का वैक्सीन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ANM अमृता कुमारी वलैला खातून द्वारा सोमवार को सर्वप्रथम तेज नारायण लाल, कौशल्या देवी, विजय कुमार सिंह, चांद मुनी कुंवर, अस्तुरना देवी सहित 130 लोगों को वैक्सीन दिया गया। उन्होंने बताया कि SDH में अभी भी कर्मियों द्वारा वैक्सीन दिया जा रहा है। मौके पर स्वास्थ्य प्रबंधक अशोक कुमार, सरोज कुमार सहित अस्पताल के सभी स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे।